एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्नोफ्लेक्स इंग्लिश क्लास 4 से चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है नो टाइम टू लर्न के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले अगर आप नहीं जानते हैं कि इस चैप्टर में आखिर कहानी क्या है, तो पहले आप चैनल पर विजिट करें और इसकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो आप देखें, उसके बाद से आपको जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द लिटिल गर्ल्स क्लोथ्स, यानी कि जो छोटी बच्ची भीख मांगते हुए घूम रही थी फुटपाथ पर, आखिर उसके कपड़े कैसे थे। तो इसमें आप लिख सकते हो, द लिटिल गर्ल्स क्लोथ्स वर इन टैटर्स, जो छोटी लड़की थी उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल फटे हुए थे। टैटर्स का मतलब होता है फटे होना, चीथड़े होना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड तारा एंड हर मदर लिव, तारा और उसकी मम्मी कहाँ रहते थे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो, तारा एंड हर मदर लिव्ड ऑन द पेवमेंट, तारा और उसकी मम्मी फुटपाथ पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द लिटिल गर्ल आस्क्ड फॉर मनी, क्या हुआ था जब उस छोटी सी लड़की ने मांगी थी, पैसे मांगे थे। तो इसके आंसर में लिख सकते हो, शी केयरफुली रन अक्रॉस टू द पेमेंट देयर, शी हैंडेड द रिसीव्ड मनी टू हर मदर। तो उस छोटी लड़की को, जिसका जिक्र इस कहानी में है, जब भीख में कुछ पैसे मिल जाते हैं तो वो भागते हुए बड़ी खुशी के साथ जाती है फुटपाथ पर और अपनी मम्मी को पैसे थमा देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड वाज तारा, तारा जो थी वो किस तरह की बच्ची थी। तो लिख सकते हो इसमें, तारा वाज अ डिप्राइव्ड चाइल्ड बोथ इन माइंड एंड बॉडी, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। तो तारा जो थी तन और मन दोनों से वंचित बच्ची थी, यानी कि जो चीज उसको मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं मिली थी, बहुत ही गरीब थी, है ना। व्हाई वर द स्टूडेंट्स कॉल्ड रेनबो चाइल्ड, यहाँ पर एक रेनबो चिल्ड्रन का जिक्र आया है चैप्टर में, तो उस रेनबो चिल्ड्रन का मतलब आखिर क्या है। इसके आंसर में आप लिखोगे, द चिल्ड्रन आर कॉल्ड रेनबो चिल्ड्रन बिकॉज दीज चिल्ड्रन आर लाइक द रेनबो, दे कैन कम एंड गो व्हेरेवर दे वांट। तो यहाँ पर जिन बच्चों को रेनबो चिल्ड्रन कहा गया है वो ऐसे बच्चे हैं जो कि रेनबो की तरह है, वो स्कूल में कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, है ना। उनके लिए कोई स्कूल के पर्टिकुलर आवर्स नहीं थे कि इस टाइम पर उनको आना है और इस टाइम पर जाना है, है ना। तो उन्हीं को बोला गया था रेनबो चाइल्ड, क्योंकि रेनबो का कुछ पता नहीं होता कब आता है कब चला जाता है, इसीलिए ऐसे बच्चों को भी रेनबो चाइल्ड कहा गया है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ आए हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।